हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी सिंह सेंगर। स्वागत है आप सबका जो अच्छा वाला कॉलेज। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ यूपी में खुल रहे 49 नए नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। यूपी में कुल 65 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 35 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनके अलावा अब यूपी इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस नर्सिंग कॉलेजेस एज वेल। 13 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस अपना एकेडमिक सेशन 2023 से स्टार्ट कर देंगे, जिससे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की टैली बढ़के 5,128 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस आलोक कुमार के साथ चर्चा में कई जरूरी चीजें जानने को मिली, जो कि सब एस्पिरेंट्स के लिए जाननी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रिंसिपल्स अपॉइंट कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और अब फैकल्टीज और स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी से परमिशन मांग ली गई है और जून जुलाई 2023 के बीच में एनएमसी इंस्पेक्टर्स असेसमेंट के लिए आएंगे और अकॉर्डिंगली एमबीबीएस कोर्सेज को शुरू करने की परमिशन देंगे। कुल 8,300 एमबीबीएस की सीट्स थी 2022-23 के बैच में, मगर अब 13 नए मेडिकल कॉलेजेस के आने के बाद 1,000 सीट्स और बढ़ जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। प्राइवेट कॉलेजेस द्वारा भी एमबीबीएस की सीट्स जुड़ेंगी। एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं पता लगी है, लेकिन जब एनएमसी एडमिशन काउंसिलिंग का सीट मैट्रिक्स और रिक्वायर्ड परमिशन दे देगी तो हमें ये एग्जैक्ट संख्या पता लगेगी। यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें 65 मेडिकल कॉलेजेस, 35 गवर्नमेंट और 30 प्राइवेट हैं, जिनमें से वो भी 59 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अभी फिलहाल 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे किसी भी मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है। लखनऊ की बात करें तो वहां पे कुल 6 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं। यूपी में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी पॉलिसी है, जिसमें अंडरसर्व्ड एरियाज में मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश कराए जाते हैं। सरकार प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स को सब्सिडीज देती है मेडिकल कॉलेजेस खड़े करने के लिए। 4 प्राइवेट एंटिटीज ढूंढ ली गई हैं जो मेडिकल कॉलेजेस को डेवलप करेंगी। इस राज्य के सारे जिलों में 2027 के अंत तक एक एक मेडिकल कॉलेज होगा। इन मेडिकल कॉलेजेस के आने से लोग टर्शियरी लेवल की मेडिकल सर्विसेज अवेल कर पाएंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और ज्यादा अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ले पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स रिक्रूट होंगे, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। 2018 में यूपी कैबिनेट ने मेडिकल बॉन्ड स्कीम को अनुमोदित किया था, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज से निकले एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को उत्तर प्रदेश के निवासियों को 2 साल तक सर्व करना होगा सरकार के इच्छानुसार। करंट की अगर बात करें तो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स जूनियर रेसिडेंट्स होंगे और पीजी मेडिकल ग्रेजुएट्स सीनियर रेसिडेंट्स और फैसिलिटीज होंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस वाले पीजी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इस तरह से फैकल्टीज का असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे प्रॉपर सप्लाई होगा। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस छात्रों के लिए 51 फैकल्टी मेंबर्स चाहिए होंगे, जिनमें से 6 प्रोफेसर्स, 15 एसोसिएट प्रोफेसर्स और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे। ये डिसाइड किया गया है कि 4 साल सर्विस एक्सपीरियंस वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर्स की पोजिशन पे प्रमोट किया जाएगा। प्रोफेसर लेवल की पोस्ट को भरने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस से 65 की एज पे रिटायर्ड प्रोफेसर्स को लिया जाएगा। एनएमसी मानदंडों के मुताबिक उन्हें 70 की उम्र तक स्टूडेंट्स को पढ़ाने की अनुमति होगी। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न्स को 12,000 रुपए प्रति महीना, जूनियर रेसिडेंट्स को 55,000 रुपए प्रति महीना और सीनियर रेसिडेंट्स को 75,000 से 80,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। यूपी में 0.6 नर्सेज हैं पर 1,000 की पॉपुलेशन पे, जो कि देखा जाए तो तमिलनाडु में 5.5 और केरला में 9 की संख्या के मुताबिक काफी कम है। करेंटली यूपी में 22 नर्सिंग कोर्स ऑफरिंग कॉलेजेस हैं। अगले 2-3 साल में ऐसे 49 और कॉलेजेस एस्टैब्लिश होंगे, साथ ही साथ उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ एक एक नर्सिंग कॉलेज कोलोकेटेड होगा। आशा है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो। तो इसी बात पे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही जरूरी और इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आती रहूंगी। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, मैं जल्द मिलूंगी। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।